वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमेजेस आई है, लीक इमेजेस आई है, जिसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पर कुछ हमें पता चल रहा है। और यह साफ साफ बैकग्राउंड जो है मार्वल फ्यूचर फाइट का लग रहा है। और इसमें डिटेल्स वाली बात यह है कि इम्पोर्टेंट है, और मेरी जो बात मैं कहने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिशेंट का एक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एक यूनिफॉर्म के साथ उसका एक कार्ड। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो है वो लूना स्नो है, उसका भी अजीब सा यूनिफॉर्म है, पिद्दी सा और छोटे छोटे, और एक कार्ड है बीच में सेंटर में। उसके बाद में थर्ड नंबर का यहाँ पर जो वाइट फॉक्स है उसका है। यहाँ पर वाइट फॉक्स काफ़ी कूल, ऑसम, डैशिंग, जो भी वर्ड है सब यूज़ कर लो, कम ही पड़ेंगे। तो वो इसका एक कार्ड है, और ये तीनों कार्ड गेम में लीक है। अब ये जब भी ऐसा लीक आता है तब तब सच साबित हुआ है, तो देखते भी क्या होता है। नेक्स्ट इमेज ये, अब यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज के अंदर ये देखो क्या मटेरियल है। यहाँ पे जो मैंने पिछले बार सिंबल दिखाया था आपको, दिखाया था याद है, चार सिंबल, हरा, ब्लू, नीला, लाल, वो चारों सिंबल में से एक ये ब्लू सिंबल है, ग्रीन सिंबल बोल सकते हो। अब इस ग्रीन सिंबल का जो है ये सॉल टाइप का है, यानी कस्टम गियर के ऊपर एक आने वाला ऑप्शन, जिसके अंदर एक आत्मा से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। इस आत्मा के अंदर यहाँ पर अलग अलग जो चार ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, जैसे वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये चार कलर होने वाले हैं वो सिंबल। तो वो जो सिंबल से रिलेटेड है वो यहाँ पर हमें कस्टम गियर के ऊपर में सॉल आइटम में दिखाया, जैसे हम लोग एनहांस टाइप बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ये नया आइटम दे रहे हैं। और ये नया आइटम में बहुत 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 सर दर्द होने वाला है मेरे भाइयों, बहुत। मैं मोदी जी के स्टाइल में बात करूँगा, मज़ा आएगा, जान दो अभी मूड नहीं है, बाद में नेक्स्ट टाइम करूँगा मैं, अगली बार मोदी जी की मिमिक्री करूँगा। अभी तो यहाँ पर 100% चांस टू पेट्रियर सुपर आर्मर बैरियर शील्ड डैमेज इम्यूनिटी इफेक्ट है 7 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में 10% डिक्रेस ऑल डिफेंस है, स्टक अप टू 50% इग्नोर इम्यूनिटी 7 सेकंड्स के लिए, और 20% चांस टू वेन अटैकिंग 20 एनिमीज के ऊपर, ओके। तो और अजीब सा ही है, CTP टाइप ही है लेकिन बहुत अजीब सा है। और नेक्स्ट इमेज दिखाओ, तो नेक्स्ट इमेज में ये है, ये देखो ये वो चार टाइप के है जिसके अंदर है वाइट, ब्लू, ग्रीन और रेड का है। रेड थोड़ा शाइनिंग होना चाहिए था और अलग दिखाना चाहिए था, लेकिन चारों को अलग अलग तरह के दिखाया। यहाँ पर ये कछुआ छाप है, यहाँ पर ड्रैगन छाप है, यहाँ पर बर्ड छाप है, और यहाँ पर टाइगर छाप है। तो ये सब क्वांटिटी हमें दिखने वाली है, और ये काफ़ी अजीब है, बहुत 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 ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा अजीब, कसम से बोल रहा हूँ। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम को ये बनाएंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब ये लीक इमेज है लेकिन ये सर्च होने वाली है, इसका मेरे को पक्का 100% डाउट तो लग रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा नया कांड करते हैं तो ये ऐसा ही करते हैं, और इस बार भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ कस्टम गियर के ऊपर में और जो आईएसओट के नीचे वहाँ पर ये ऑप्शन देने वाले, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में जो है एरर और जो उसके नुकसान है वो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, वो एक पॉइंट। उसके बाद में किस किस कैरेक्टर को दे, किस किस कैरेक्टर को नहीं, सेकंड क्वेश्चन आता ही है, वो भी देखेंगे। अब न्यू प्लेयर्स के पास में समझो बाय चांस अगर उनको लक के हिसाब से मिल जाता है तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो नए कैरेक्टर है, नए प्लेयर जो है वो देना, सोच समझ कर पहले देख ले, कलेक्ट कर ले, उसके बाद में पूछताछ जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद में दे। जैसे एग्जांपल अगर किसी ने बताया कि ये ऑप्शन इस कैरेक्टर को देना चाहिए, अगर कहीं भी कोई भी अपने वीडियो में दिखाता है तो उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए कि इसको यही वाला देना है कि नहीं, उसके बाद ही दे। अपने मर्जी से किसी को कुछ भी ना दे, मतलब ये जो आपको स्क्रीन पे चार टाइप के जो आपको सिंबल दिख रहा है, जो भी है ये सोल टाइप का कुछ भी गियर होगा, तो ये जो चीज़ है ये कैरेक्टर को जब आएगा तब देना नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये किसने डाला है पता नहीं, लेकिन ये थॉर का यहाँ पर नया यूनिफॉर्म है और इसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है, और थॉर यहाँ पर पतला है और इसके चेस्ट पे कोई भी ज़्यादा लगे हुए नहीं है, और ये रिलेटेड है थॉर लव एंड थंडर से। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि हमें कुछ नया ऑसम गुड लुक देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो लीक इमेज हो उसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन ये जो इमेजेस है, जो दो हमें तीन हमें इमेजेस देखने को मिली है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। अब यहाँ पर नए कैरेक्टर, नए यूनिफॉर्म की क्या होने वाला है एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। और एक और डाउट, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, जितने भी नए प्लेयर्स हैं सतर्क हो जाओ। अब भी मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो अभी अगर समझो ये इवेंट आता है
मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो उसको ध्यान से, अगर ये इवेंट आता है या ये अपडेट आता है तो इसमें क्या होगा, लूना स्नो का एक इवेंट आने का चांस बनता है जिसके अंदर उसके बायोमेट्रिक्स मिलने के चांस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इवेंट आएगा ज़रूर, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, जब लूना स्नो आई थी तब उसका एक इवेंट आया था 7-8 डेज का, उसके अंदर उसको स्टेजेस खेलने के बाद में उसके बायोमेट्रिक्स मिलते थे, तो ऐसा हुआ था। और मेरे ख्याल से क्रिशेंट वन का भी ऐसा ही हुआ था, उसका भी आया था, तो यहाँ पर ये अगेन आ सकता है इन दिनों में, या फिर ये जो अपडेट जब आएगा तब यहाँ पर ये आने के पूरे चांसेस मुझे लग रहे। तो मेरा डाउट इसी तरफ है कि अगर आपके पास में बैकअप प्लान हो और जो यूनिफॉर्म टिकट्स होंगी, समझो रेयर तक है या एडवांस की है, जो भी यूनिफॉर्म टिकट आपके पास में होंगी उसको संभाल के रखो, उसको यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं। कोई भी कैरेक्टर रहा तो उसका यूनिफॉर्म रेयर तक करो तभी आपको ये रिवार्ड मिलेगा वगैरह वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन ये लगाते जरूर है किसी न किसी कैरेक्टर पर। अब जैसे कि मैं एक इवेंट की बात कर रहा था, तो एक इवेंट था X23 का, उसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन था, वो वोल्वरिन का जो यूनिफॉर्म है जो ब्लू वाला है उसके अंदर वोल्वरिन का जो यूनिफॉर्म है उसे रेयर करना था, रेयर करने के बाद में जो उसका 6-स्टार कार्ड था वो मिलने वाला था, तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो वो सेम वही वाली टर्म्स एंड कंडीशन लूना स्नो के टाइम पे या उसका जो इवेंट आएगा जहाँ से उसके बायोमेट्रिक्स मिल सकते हैं उसका जो आने वाला है, मेरा डाउट है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ डाउट है, अगर आया ना तो कसम से बता रहा हूँ कि आपको तैयारी के साथ रहना है। अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको तैयारी के साथ रहना है। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, ये आने से पहले आप लोग सतर्क रहो और आपका जो जो भी बैकअप प्लान हो वो आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट अगर हाथ से निकल गया तो इसके अंदर के जो फ्री में हमें कार्ड मिलने वाले वो भी हाथ से शायद जा सकते हैं, और पता नहीं हमें हाथ से और क्या क्या निकल सकता है। तो प्लीज़ हो सके तो सतर्क रहे, और ये जो कार्ड है जो लूना स्नो का सेंटर वाला, ये मुझे लगता है मिल जाएगा इजीली, फ्री कार्ड लग रहा है शायद, मुझे डाउट है, पक्का नहीं बता सकता, लेकिन इसका इवेंट आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर ये किसी तरीके से गेम में आता है इसका इवेंट, लूना स्नो का इवेंट जिसके अंदर से उसके बायोमेट्रिक्स भी मिलेंगे प्लस हमें वो स्टेजेस भी खेल के जो पूरा कंप्लीट है वो करना पड़ेगा, तो सतर्क हो जाओ, और इसके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए डेली आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं अभी कब क्या है, कैसे लीक आता है ये, और 5.6 या 5.5 है वो तो भगवान ही जाने, और देखते हैं और क्या लीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ आगे सब्सक्राइब, थैंक यू, एंड सतर्क रहना, अगर इवेंट आता है तो तैयारी के साथ रहना, और यूनिफॉर्म जो मटेरियल है जो EXP यूनिफॉर्म EXP चीप है उसको भी संभाल के रखना, यूज़ मत करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।